जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली है CAPF और आर्मी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इनकी जो पे होती है पे स्लिप उसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। स्पेशली ये वीडियो मैं पूरा डिफरेंस के लिए नहीं बना रहा, ओनली पे बना रहा हूँ कि पे स्लिप में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। और आपको पहले मैं आर्मी की पे स्लिप दिखा देता हूँ और इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ आता है, क्या क्या फंड मिलते हैं, कितने कितने पैसे मिलते हैं और कब किस प्रकार से मिलते हैं। फिर आपको मैं CAPF की पे स्लिप दिखाऊंगा, मतलब CRPF की पे स्लिप दिखाऊंगा। CAPF की सबकी सेम ही होती है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो आर्मी में और जो CAPF है इसमें कितना अंतर होता है, स्पेशली ये वीडियो पूरा का पूरा मैं उस पर ही बना रहा हूँ। फिर आर्मी और CAPF के जो ड्यूटीज़ के जो अंतर होते हैं या जो सुविधाएँ उनमें से एक दो सुविधाओं के अंतर भी मैं बता दूंगा डिटेल में, ये वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा दोस्तों। तो अब अगर हम बात करें पे स्लिप की, तो पहले हम आर्मी की पे स्लिप देखते हैं, फिर उसके बाद में CAPF और फिर इनके अंदर कंपेयर करेंगे कि किस प्रकार से पैसे कहाँ कहाँ से, मतलब कितना फ़र्क है। तो ये काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों ये पे स्लिप पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पे स्लिप है आर्मी की पे स्लिप। अब आप इसमें अगर हम देखें तो ये जो पे स्लिप है ये है आर्मी की पे स्लिप दोस्तों। अगर हम इसमें देखें तो आपको शुरुआत से मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें जो पे मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है। देखो जो इसमें सबसे पहले मिलता है पे स्लिप, इसमें जैसे बैंड पे CAPF की पे स्लिप में बेसिक पे लिखा होता है, इसमें बैंड पे लिखा होता है। और ये इसमें जैसे पे स्लिप में आप देख रहे हो 24,500, ये बेसिक पे 21,700 इनकी भी, मतलब बैंड पे ये इनकी सर्विस के अनुसार इनकी ये पे बढ़ गई है, ठीक है। बाकी वो 21,700 यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद में इनको मिलता है दोस्तों MS पे, ये CAPF में नहीं मिलता है, ये आपको बाद में पता है। MS पे का मतलब मिलिट्री सर्विस पे, इनको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है ये 5,200, ये आपको CAPF में नहीं मिलेगा। मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, ये वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके नीचे आएँ तो फिर है TPAL ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TPAL ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये इनको मिलता है दोस्तों 3600 रुपये। ये अलग भी हो सकता है हर एक जगह की, अलग जगह की मैं दिखा रहा हूँ, ये सब जगह थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो इसके बाद में अगर नीचे चले हम तो डी आपको पता है आर्मी में या CAPF में अगर आप किसी में भी जॉब करते हो बराबर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सभी में सेम ही मिलता है। उसके बाद में नीचे चलते हैं तो PMHAM, ये कुछ इनका है 90 रुपये मिलता है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, जैसे उसमें भी मिलते रहते हैं CAPF के में भी 60 रुपये, 120 रुपये कुछ खर्चे के नॉर्मल जो हेयर कटिंग वेयर कटिंग। LRA ये यहाँ का कोई, जहाँ पे LRA का मतलब है ये जिस जगह रहते हैं वहाँ का छोटा मोटा डिस्काउंट, जैसे उसमें TPT ज़्यादातर मिलता रहता है CPF में, इनमें LRA ये मिलता है 733 रुपये इनका है। इसके अलावा रिक्यूरिंग अलाउंस 6,000 रुपये, तो ये सब जगह मिलता है दोस्तों इनकी, इस प्रकार से पे बनती है, ये सब जगह मिलता है। अब हम CPF की जब पे देखेंगे उसमें देखना इनमें उनमें, इसमें एक चीज़ नहीं है वो तो मैं अभी बता दूँ, HRA, तो ये HRA के बदले इनका, ये मान के चलिए जैसे MS पे दे रहे हैं या LRA दे रहे हैं, तो ये चीज़ें उधर नहीं है, उधर जो चीज़ें हैं वो इधर नहीं है कुछ ऐसी, जैसे उधर HRA है। इनका जो TPT है ये तो इन पे भी है, TPAL मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो ये तो इधर भी है उधर भी मिलता है। ये आपको मैंने कोबरा की पे स्लिप दिखाई थी उसमें 2100 रुपये दिखाए थे और इसमें इनके 3600 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इनकी बेसिक पे, फिर इसके बाद में जैसे इनकी बन रही 45,778, फिर इसमें से इनके भी वो डेडिकेशन हो जाते हैं और लास्ट में तो फाइनल पे बनती है वो। तो ये तो आर्मी की पे है, इसमें एक बार और मैं रिपीट मार देता हूँ क्या क्या मिलता है, एक बार आप देख लेना, उसके बाद में फिर CPF की देखेंगे उसमें देखना। देखो सबसे पहला मिलता है बैंड पे, जो इसमें जैसे जो आपकी बेसिक पे होती है उसमें, ये बैंड पे हो गया, ग्रेड पे आजकल बंद हो गया आपको पता है, MS पे मिलिट्री सर्विस पे ये CPF में नहीं मिलता है दोस्तों, CL पे ये अलग है ये 0 है, TPAL मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये तो उसमें भी मिलता है, DA उसमें भी मिलता है 5600 जैसे 61 है तो उधर भी उतना ही मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। LRA और SFA ये जैसे 6,000 रुपये यहाँ का रिस्क अलाउंस है, तो ये इनका मिल रहा है रिस्क अलाउंस, उधर रिस्क अलाउंस बोलते हैं, इधर अलग नाम से हैं जैसे SFA, ठीक है। ये इनके जो मिसाइल वाले अलग मिलता है, जो इन्फेंट्री वाले होते हैं उनको अलग मिलता है, आर्टिलरी वालों को अलग मिलता है, RR वालों को अलग मिलता है, ये सब जगह अलग अलग होता है दोस्तों। तो ये तो होगी आर्मी की। अब हम पे स्लिप देखते हैं
CPF की। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, किसी भी ऐसे GDG से संबंधित कोई भी जानकारी होगी वो इस चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। और मेरे से पर्सनली बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अब अगर हम बात करें CPF वाली, तो उसकी देखो पे स्लिप हम देखते हैं दोस्तों। तो उनमें जो ब्रांड पे होता है, इसमें देखो बेसिक पे 22,400 जो लिखा हुआ है, ये 22,400 उधर 24,500, ये सर्विस के अनुसार है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं है इनकी। जैसे ये दो साल, जिसकी दो साल सर्विस हुई उसके लिए, वो जिसकी चार साल सर्विस हो गई उसके लिए, वो सबके अलग अलग होता है दोस्तों। बेसिक पे ये तो सेम हो गया दोस्तों, बेसिक पे उसमें तो वो तो उधर भी आ रही है इधर भी आ रही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बेसिक पे सेम हो गया दोस्तों। उसके अलावा आप देखिए ग्रेड पे उधर भी नहीं इधर भी नहीं है, बाकी पेंशन ये कुछ है नहीं। राशन मनी ये उधर नहीं दिखाता दोस्तों, आर्मी की जो पे स्लिप होती है उसमें राशन मनी नहीं आता है, क्योंकि उनका जो राशन मनी है उसका अलग ही सिस्टम रहता है, CPF की तरह नहीं है। इसमें ही मिलता है राशन मनी, उसमें राशन मनी नहीं मिलता दोस्तों। उनको राशन मनी नहीं मिलता, उनको खाना ही मिलता है डायरेक्ट, वो उसका फंड ना उनके पेमेंट में आता है ना उनको मिलता है। हमारे इसमें क्या होता है CPF में ये पैसा मिलता है और फिर आपको जमा कराना होता है। अब छुट्टी में हो तो ये पैसा आपका रहेगा आपके पास में, ये सुविधा आर्मी में नहीं है दोस्तों। रिस्क अलाउंस जैसे आप देख रहे हो, रिस्क अलाउंस में 9,700 है, तो ये रिस्क अलाउंस उनके रिस्क अलाउंस नहीं बोल के और किसी अलाउंस के रूप में, जैसे SFA बोलते हैं या और भी अदर कुछ अलग अलग नाम है उनके, जैसे जो अलग अलग डिफेंस है उनमें अलग, जैसे RR में अलग नाम RR अलाउंस हो जाएगा, तो वो तो उनको भी मिलता है दोस्तों। HRA ये उसमें आपने कहीं नहीं सुना होगा नाम, HRA होम रेंट अलाउंस है, जहाँ पर मतलब हाउसिंग का ये अलग अलग परसेंटेज में मिलता है अपने यहाँ, मतलब 8%, 16% और 24%, ये CPF में ये सुविधाएं। साथ में ड्रेसनेस मतलब DA, उनको थोड़ा सा, उनसे थोड़ा सा DA कम मिलता है, या कुछ परसेंटेज मतलब DA उनके उनका ज़्यादा है, CPF में थोड़ा सा कम मिलता है दोस्तों, DA उनका थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे इसमें आप देख रहे हो 2688 DA था, अभी प्रेजेंट टाइम में ये 4500 के आसपास हो गया, और वो प्रेजेंट टाइम की है, ये थोड़ी पुरानी है, तो मतलब थोड़ा सा फ़र्क है DA में, ज़्यादा नहीं, मतलब 500-800 रुपये का फ़र्क होता है। तो DA उनको मिलता है, इधर भी मिलता है। इसके अलावा जो सोप टॉयलेट ये इनके जो अलाउंस है छोटे छोटे रम अलाउंस ये मिलते रहते हैं, उनको रम वम मिलते हैं। तो दोस्तों पे स्लिप में अगर आप ज़्यादा बड़ा अंतर देखोगे तो उनको MS पे मिलता है, वो MS पे आपको नहीं मिलता है। बाकी आप अगर देखोगे ज़्यादा पे में अंतर नहीं होता, आप देख ही लिए हो, जैसे इसमें HRA मिलता है उधर HRA नहीं है, तो वो उसका कवर कर देगा। साथ में राशन मनी मिलता है, उधर राशन मनी नहीं है। अगर आप छुट्टी में रहते हो CPF में, अगर आप सर्विस कर रहे हो जैसे CRPF BSF ITBP इनमें किसी में भी आप सर्विस कर रहे हो, तो आपको राशन मनी के रूप में, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 3600-3700 रुपये है, तो जब आप घर पर रहते हो तो वो आपके पे में जुड़ते हैं, तब आपको जमा कराने नहीं होते वो आपके उस महीने में ज़्यादा। तो मतलब आप साल में 3 महीने छुट्टी रहते ही हो, तो मतलब वो 3 महीने के आपके पैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बाकी जो ड्रेस के पैसे मिलते हैं वो सभी को 10,000 रुपये सालाना मिलते हैं, चाहे आर्मी हो चाहे CRPF हो BSF हो, इनको बराबर मिलता है। अब इनके अलावा जो बड़ा अंतर है वो आप सभी को पता ही है, CPSC कैंटीन और CSD कैंटीन, मतलब कैंटीन पुलिस सेंटर पुलिस कैंटीन CPSC और इनका कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि जो आर्मी का जो कैंटीन होता है वो आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन, और जो CPF का जो कैंटीन आता है ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। तो जो गृह मंत्रालय के अधीन होता है इनमें GST लगता है, और जो रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है उसमें GST नहीं लगता है। तो कैंटीन में जो प्राइस होती है उनमें GST का फर्क पड़ जाता है, इसीलिए CPSC कैंटीन में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है और आर्मी कैंटीन में पैसा कम लगता है। तो दोस्तों ये तो हमने केवल चर्चा की इनकी पे स्लिप, आर्मी की पे स्लिप पे, आगे हम इस पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे क्या क्या डिफरेंस है, जो मूल रूप से जो बड़े डिफरेंस है उन पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए।